हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देख के मजा आ रहा है ना? ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही मजेदार भी है। जी हाँ, यही है हमारी आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे एग बिरयानी, और वो भी बिना किसी झंझट के। तो फिर चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम सामान में फटाफट से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चावल लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चावल ले सकते हैं। इन चावलों को हम अच्छे से धो लेंगे। धो के मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और 1.5 कटोरी करीब पानी इसमें डाला है। आप पानी अपने चावलों के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा, बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे और 2 तेजपात के पत्ते डालेंगे। ये मसाले हमारे चावल को थोड़ा फ्लेवर देंगे। अब बस हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब बस प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। चावल को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, हाफ कुक करेंगे। चावल में 1 विसल लगाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारे चावल तैयार हैं। बहुत ज्यादा नहीं पकाया है। अब बस हमको बिरयानी बनाने के लिए एग चाहिए, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी मटर ली है। आप चाहें तो अपनी मर्जी की और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। अब एक बड़े बर्तन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और एग्स में ऐसे थोड़ा कट लगा लेंगे। एक बड़ी इलायची डालेंगे, 2 पत्ते तेजपात के डालेंगे, जो प्याज लिया था उसको डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। 2 हरी मिर्च डाली है मैंने यहाँ पे। आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं। एग्स डाल लेंगे और इन सबको हम साथ में भून लेंगे। जो मटर ली थी उसको भी डाल देंगे, साथ में उसको भी भूनेंगे हम। एग थोड़े से हमारे भुन चुके हैं। अब जो टमाटर थे उनको भी डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये। थोड़ी सी क्रीम का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इन सबको डालने के बाद आपको अलग से कोई भी बिरयानी मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही बहुत मजेदार बनेगी। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है मैंने और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। जो हमने राइस स्टीम किए थे उसको डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। थोड़े से चावलों में मैंने कलर मिला लिया है, इनको भी इसके साथ मिक्स करेंगे। इससे हमारी बिरयानी थोड़ी कलरफुल लगेगी। अब बस ढक के हम इसको स्लो आंच पे 5 मिनट पकाएंगे। देखिए हमारी बिरयानी तैयार है, कितनी अच्छी बनी है और ये खाने में भी बहुत ही मजेदार लगेगी। इसको हरे धनिये से सजाएंगे और भुना हुआ प्याज डाल के इसको सर्व करेंगे। मैंने इसको बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद रायता और चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही यमी लगेगी। मैं चाहूंगी ऐसी ही इजी रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आऊं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर का खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।